जय जिनेंद्र। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबको मैं जय जिनेंद्र बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कड़वे से कड़े हुए वीडियो बनाता हूँ। और आज भगवान महावीर स्वामी जयंती है, इसलिए हम हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हैं और किसी भी धर्म का दुरुपयोग हम नहीं करते, क्योंकि जिंदगी में जीना है तो प्रेम से जीना सीखो, जीवो और जीने दो। वैसा आप अच्छी सोच रखकर आप जिंदगी में सफल बनने के लिए अच्छी जगह को बड़े से बड़े आप बन सकते हैं, क्योंकि सोच इंसान के पास में होती है। सफलता हमेशा संपूर्ण तरह से आदमी हमेशा के लिए ज़िंदगी में सफल रहता है, क्योंकि सोच बदलोगे तो पूरे कार्य बदलेंगे। यदि आप लोगों की सोच नहीं बदली तो कार्य भी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज इतने कड़वे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज भगवान महावीर स्वामी जयंती है। भगवान महावीर स्वामी का एक ये नारा है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कौन से भी धर्म का हो, भगवान महावीर स्वामी ने किसी भी धर्म में ठोस नहीं पहुंचाई है, सभी धर्मों का पालन किया है। हम उसी धर्म की तरह हम हमेशा अच्छी से अच्छी सोच रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि कृपया करके आप मजाक मत समझना, हम हमेशा कड़वे से कड़वे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का नाम है महावीर। माँ का मतलब होता है महादेव, महादेव का मतलब होता है ओम नमः शिवाय, शिव भगवान का है। और उसके बाद में हा का मतलब होता है हनुमान जी, जय बजरंग बली। उसके बाद में होता है महावीर, वी का मतलब होता है विष्णु, विष्णु भगवान का भी उसके अंदर नाम आता है। महावीर र का मतलब होता है राम, इसलिए महावीर, महादेव, हनुमान, विष्णु, राम सभी भगवान का अंदर नाम आ रहा है, इसलिए महावीर को बहुत लोग पैसों के अंदर बेच रहे हैं, क्योंकि उस लोगों को दिमाग की मेमोरी बहुत कमज़ोर है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी को बेच रहे हैं। क्योंकि ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोगों को ये वीडियो सुई की तरह छुपने वाला है, नीम के पत्ते जैसा उसको जहर लगने वाला है। क्योंकि एक बात बोलता हूँ, जियो और जीने दो, लिखने से कुछ भी नहीं होता है, दिल के अंदर अच्छी सोच रखना सीखो, परिवार के संस्कार देना सीखो, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल बन सकेंगे, नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं बनेंगे। यदि व्यक्ति के ऊपर में छोटी सी एक बीमारी लगी है तो पूरा पैसा दवाई दारू में पूरा हो जाएगा, नहीं तो बचेगा पैसा, नहीं बचेगा परिवार, नहीं बचेगा खुद का शरीर। इसलिए मैं हमेशा कड़वे से कड़वे वीडियो बनाता हूँ और हमेशा खुशी से जोश में बोलता हूँ, सबसे पहले परिवार जरूरी है, ऐसा किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मेरे को हमेशा के लिए पैसों के ऊपर मैं लालच नहीं करता हूँ, क्योंकि इंसान को पहचानिए
इंसान की सहायता कीजिए, वही सब कुछ धन और दौलत है। और माता पिता की सेवा कीजिए, वही सबसे बड़ा धन दौलत है। भाई बहनों को हमेशा प्रेम से बोलना सीखो, ये छोटी सी जिंदगी है, दोबारा किसी को मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो कड़वे से कड़वे बनाता हूँ, और मेरे प्यारे भाई और बहनों का किसी का भी घर टूटता है तो वापस जोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मैं एक ही समझता हूँ, प्रेम प्यार से जीना सीखो, प्रत्येक घर में आगे बढ़ने की हिम्मत रखना सीखो, किसी का भी घर को तोड़ने के अंदर टांग मत अड़ाना सीखो। क्योंकि एक बात मेरे को याद आ गई, ये बात तो बहुत पुरानी है। एक सरदार और सरदार और उसकी वाइफ जा रहे थे स्कूटर से। जब स्कूटर खड्डे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड था, सरदार जी धीरे धीरे गाड़ी हला रहा था। जब गाड़ी उबड़ खाबड़ में चल रही थी, सरदार की वाइफ बोली थी कि सरदार जी गाड़ी ऐसे चलाते हैं, कहीं मेरे को आप गिरा के चले जाएंगे। सरदार जी ने गाड़ी रोका और एक चाटा मारा वाइफ को और बोला, गाड़ी को कंट्रोल करने वाला मैं हूँ या तुम हो, इसलिए उसको बहुत छुप गया। और उसके बाद में सरदार जी घर पहुँचे, जब सरदार जी तो बाहर बैठ गए और बातें करने लग गए, और जब सरदार के मेहमान आए और उसको चाय बनाने का बोला पत्नी को इतना गुस्सा था और उसको कंट्रोल भी नहीं होता था। और जब बीवी ने चाय बनाने के लिए पुराना स्टाइल का स्टोव था उसको पंप मारना पड़ता है, तब वो पत्नी ने इतना पंप मारा बाहर तक सुनाई दिया। तब पति देव ने सरदार जी बोले थे, यदि आप इतना पंप मारोगी, यदि ये स्टोव फूट ना जाए। तो पत्नी ने जब पति देव अंदर गया तब बोला, एक चाटा मारा पति देव को, सरदार को एक चाटा मारा, और पत्नी ने बोला, चाय मैं बनाती हूँ, तुम बीच में टांग अड़ाते हो। उसका जैसी सोच से सरदार ने उसके पत्नी को चाटा मारा, उसी सोच से वापिस उसकी पत्नी ने उसको चाटा मारा। उस दोनों का बराबरी हो गया, दोनों बहुत तनाव में आ गए। क्योंकि जब तक प्रेम प्यार से नहीं रहेंगे, घरों के अंदर नफरत फैलेगी और ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयां आएगी। जिस दिन आपने ठान लिया परिवार में शांति का संस्कार फैला दिया, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, ज़िंदगी जीना है तो अच्छी तरह से जीना सीखिए, बुरी तरह से ज़िंदगी को मत सीखिए। क्योंकि हम हमेशा हिम्मत के साथ में हमेशा प्रत्येक धर्म का पालन करते हैं, हम किसी को भी दुरुपयोग में नहीं लेते हैं उसी टाइप का। और आजकल लेडीज़ लोगों को बहुत झगड़ा हो रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल, क्योंकि उस लोगों को एक दुरुपयोग से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लेडीज़ लोग हो या जेंट्स लोग, सबका मेमोरी का स्क्रू पूरा खुल गया है। सभी लोग लाइफ स्टाइल के अंदर जा रहे हैं और परिवार को पूरे बर्बाद में करने के लिए लगे हैं, और संस्कार को एक डब्बे के अंदर डाल के उसका ढक्कन डाल दिया है, चाहे कौन सा भी समाज हो। मैं किसी भी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम किसी के भी विरुद्ध नहीं हैं, हम प्रत्येक धर्म का पालन करते हैं। हम हमेशा कड़वे से कड़वे प्रवचन देते हैं, क्योंकि जो इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सच्ची बात हमेशा के लिए सबको कड़वी लगती है। और जब इंसान को दुरुपयोग दिन आता है तभी वो बातें याद आती हैं। जब इंसान के पास में धन दौलत सब कुछ रहता है,
उसने बाप दादा ने पेट को गांठ लगा के एक एक पैसा इकट्ठा करके रखा था उसके बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो पैसा अभी पूरा पैसा बर्बाद करने में लोग लगे हैं, क्योंकि उस सभी लोगों का स्क्रू ढीला हो गया है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना सीखो, आत्मविश्वास रखो, परिवार का साथ देना सीखो, तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। क्योंकि यदि आपने आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, आपसे मैं वादा करता हूँ, आने वाली 4-5 सालों के अंदर आपका नाम और निशान मिट जाएगा। आपका बहुत एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। आप लोगों से मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। क्योंकि सुबह से शाम तक पैसा कमाना बहुत कठिन है, और सुबह से शाम तक हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं, बहुत इजी पैसे को खर्च कर सकते हैं, बट पैसे को अभी का समय में नहीं कमा सकते हैं। यही रियल बात है, ये बात बहुत लोगों को छुपती है। जो सच्ची बात होती है वही हम हमेशा के लिए शेयर करते हैं, क्योंकि जो सच्ची बात होती है, बहुत लोग जो ज्ञानी होते हैं हमारा वीडियो खूब देखते हैं, देश के अंदर भी देखते हैं और विदेशों के अंदर भी देखते हैं, और हमारा वीडियो तो खूब सारे देखते हैं, बट आजकल लोगों की मेमोरी बहुत बराबर नहीं है, इसलिए वो लोग हमारा चैनल अब तक कभी सब्सक्राइब करते हैं कभी उसको कैंसिल करते हैं, कभी सब्सक्राइब करते हैं कभी कैंसिल करते हैं। क्योंकि वो इंसान किसी के ऊपर भी ये खाऊं या ये खाऊं, उसके अंदर ही उसका दिमाग लगा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का पैसा खाने में लगा है, वो ज़िंदगी में कभी भी सफल होने वाला नहीं। जो इंसान अब आप कमाई पर निर्भर रहेगा वही इंसान अभी जीतने वाला है। मैं किसी के भी धन दौलत पर आंख नहीं रखता हूँ, चाहे मेरे माता पिता के पास में चाहे कुछ भी हो या ना हो, हम कभी भी उस पैसों के ऊपर आंख नहीं रखते हैं, हम आप कमाई पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि जो हमने पैसा कमाया है वही हमारा है, और यदि मेरे साथ में कौन भी दुरुपयोग करना है, यदि मेरे साथ में कौन भी दुरुपयोग करेगा तो ऊपर वाला भगवान देखने वाला है। हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं, हम हमेशा हमारे तकदीर पर, हमारी लिखारी लिखी है उस पर हम विश्वास करते हैं। क्योंकि जो इंसान तकदीर से को कौन भी छीन नहीं सकता है, और हम हमेशा हमारे हिम्मत के ऊपर पैसे कमाते हैं, और हमेशा धार्मिक आस्था पर संस्कार में हम जीते हैं। क्योंकि पैसा हमारे लोगों को नहीं चाहिए, हम एक जाट समाज से हैं, हम जाट समाज से हैं। बहुत लोग ऐसे भी विरोधी हैं जो सच्ची बात होती है उसको बोलते हैं हम तो उसको बहुत छुप जाती है, और जो इंसान गंदी गंदी बातें बोलती है उस लोगों को बहुत अच्छी पसंद आ जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को एक चेतावनी देता हूँ, कृपया करके आज भगवान महावीर स्वामी का दिन है, और हिंदू धर्म का हम भी एक हिंदू हैं, हम भी एक राम भगत हैं, हम एक जाट समाज से हैं, इसलिए माँ का मतलब होता है महादेव, हर हर महादेव, महा का मतलब होते हनुमान, हनुमान जय बजरंगबली, और महावीर, वीर का मतलब होता विष्णु, विष्णु भगवान, और उसके बाद में होता है र, र का मतलब होता है राम, जय श्री राम। इसलिए महावीर के नाम के अंदर सभी भगवान का नाम भी आता है, और सभी धर्म का पालन भी करते हैं, इसलिए हम किसी भी धर्म को दुरुपयोग में नहीं लेते हैं, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। क्योंकि जियो और जीने दो, शांति से सबको जीने दो, चाहे कौन सी भी समुदाय हो। आप लोगों को एक अच्छी बात आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ आप मतलबी स्वार्थी मत बनो,
आपके परिवार में जो इंसान बराबर नहीं है, आपकी नहीं सुनता है, उसको आप समझाइए, तभी वो आदमी आपका साथ देने वाला है, नहीं तो वो ऐसे ही बार में और कुछ, घर के अंदर और कुछ, ऐसे ही आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि उस लोगों को सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो माँ बाप भाई बहन का कौन भी नहीं सुनता है, दोस्त बोलता है वो उसकी सुनता है, और चाहे माँ बाप चाहो वार्ड में आजकल की ऐसी स्थिति आ गई है। इसलिए आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं सुनेगा वो ज़िंदगी में कभी भी सफल होने वाला नहीं है। आप लोगों से मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल गया है सच्ची भावना से, तो उसको भगवान भी नहीं हरा सकता है। और यदि माता पिता का श्राप मिल गया तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि हमने सोच समझ कर बोलते हैं, हम हमेशा संस्कार के अंदर जीते हैं, और ज़िंदगी में सबकी हम ज़िंदगी बदलते हैं। मेरा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। प्रत्येक घर में सभी सफलता के साथ में जीने की सोच रखिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को बहुत भुगतना पड़ेगा, नहीं तो आपके परिवार साथ देगा, नहीं आपके आने वाली पीढ़ी आपका साथ देगी, और ना ही आपका शरीर साथ देने वाला है। मुंह को हमेशा मीठा रखना चाहिए, दिमाग को हमेशा खाली रखना चाहिए, पेट के अंदर ज़्यादातर पानी रखना चाहिए, और पांव को हमेशा गर्म रखना चाहिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। और दिमाग को हमेशा सोते समय खाली रखना चाहिए, जो इंसान दिमाग को खाली रख कर के सोएगा पूरे रात, चाहे 2 घंटा सो चाहे 10 घंटा सो, आपको अच्छी नींद आने वाली है, और आपका चेहरा मुस्कुराहट में रहेगा, तभी आप लोगों को दूसरे दिन अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम अच्छी से अच्छी सोच रखते हैं, और हम हमेशा भारत के अंदर तो लोग आप मतलब ही स्वार्थी हैं, जब उस लोगों को कुछ न कुछ, माँ को बीमारी लग जाती है, लाखों करोड़ों पैसा लग जाता है, बाप को ऑपरेशन कराना पड़ता है, हार्ट का ओपन सर्जरी करना पड़ता है, उसके बाद उस लोगों को खुद को भी बीमारी लग जाती है, उसके बाद में उस लोगों को परिवार की चिंता होती है, उस लोगों ने खूब पैसा दुरुपयोग से कमाया है, गरीब लोगों की हाई ली है और दुरुपयोग से पैसा कमाया है, माँ को बीमारी लगा पैसा खर्च हो गया, पिता को बीमारी लगी पैसा खर्च हो गया, और उसके बाद में उसको खुद को बीमारी लगी पैसा खर्च हो गया, उसके बाद में उस लोगों को अक्ल आती है, उसी बाद में उस लोगों का मेमोरी का स्कोर टाइट हो जाता है, और उसके बाद में वीडियो खूब देखते हैं और बोलते हैं इस व्यक्ति का तो वीडियो ये बहुत अच्छा है, ज़िंदगी बदल सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी में परिवार के अंदर संस्कार अच्छा पैदा हो सकते हैं, उसके बाद में ही उस लोगों को मालूम पड़ता है। और आजकल बड़े बड़े व्यक्ति दिखावटीपना बहुत ज़्यादा करते हैं, और उस लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, कृपया करके आपके पैसों के ऊपर घमंड किसी को मत दिखाइए। यदि आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप चाहे करोड़पति हैं या अरबपति हैं, आपका पैसा आप तक रखो, वो पैसा किसी को भी मत दिखाओ, और किसी के ऊपर घमंड मत दिखाओ, क्योंकि घमंड ही इंसान को बर्बाद कर सकता है। और आपका पैसा आप तक रखो, आपके औलाद पर मत रखो, क्योंकि आपकी औलाद ही आपको दुरुपयोग के अंदर लेकर के चले जाएगी, और आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी बहुत बहुत अलग टाइप की है, और वो ज़िंदगी आपकी बर्बाद करने के लिए ही वो आ रहे हैं।
आजकल तो जब बच्चा पैदा होता है हविस लाने में भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और उसके बर्थडे मनाने में खर्च कर देते हैं, उसके बाद में बाहर घुमाना पसंद करते हैं। उस लोगों का स्क्रू पूरा ढीला हो गया है, उसके जब पीरे जाते हैं बाप के पास में अलग बात, साथ से साथ में लड़ाई झगड़ा करना उस लोगों की यही इतनी ही औकात है। यदि आप किसी के पास में कैसी वर्तमान में सफलता पाने के लिए दुरुपयोग करेंगे तो आने वाला समय में आपको ही दुरुपयोग ही मिलने वाला है। यदि आपने अपने माता पिता सास ससुर को इज्जत देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, आप मान मर्यादा से उसके साथ में खूब मेहनत करेंगे, तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। नहीं तो आप सास ससुर के साथ में जितना दुरुपयोग करेंगे उनसे चार गुना आपके लड़का लड़की आपको ही दुरुपयोग करने वाले हैं, आपके मुंह पर बोलने वाले हैं, मम्मी आपने मेरे दादा दादी को बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, और मैं जब छोटी मुन्नी थी तूने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया, मेरे दादी ने मेरा लाड प्यार बहुत किया, लाड किया, प्यार किया, सब कुछ किया, और तुमने तो खाया पिया और शरीर बधाया। यही शब्द बोलने वाली है तुम्हारी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि पैसा के ऊपर उस लोगों को आस नहीं रहती है। दादा दादी को हमेशा पोता और पोती के ऊपर बहुत भरोसा रहता है, क्योंकि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब उसका साथ पोता और पोती कंबे की तरह वो खड़े हो जाते हैं और उसका लड़का और बहू दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्वार्थी बन जाते हैं। ऐसी स्वार्थ भावना मत रखिए, क्योंकि आप कैसे अपना कार्य करता है उसी तरह आपके माता पिता का कार्य करेंगे, तभी आपके आने वाले समय में आपके लड़का लड़की कार्य करने वाले हैं। क्योंकि सोच बदलेंगे तभी आपके परिवार में संस्कार पैदा होगा। यदि आप लोगों ने सही संस्कार नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आप बहुत दुरुपयोग में आप घुस जाएंगे, आपको कौन भी बचाने वाला नहीं है। पैसा भी खर्च होगा, परिवार भी साथ नहीं देगा और शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि घमंड सबको नास्ती कर देता है, घमंड एक ऐसी चीज़ है, मान मर्यादा पैसा शरीर सबको बर्बाद करके रख देते हैं। क्योंकि संस्कार में जो इंसान जिएगा, आस्था में जिएगा, उसी लोगों की ज़िंदगी में वो सफल हो सकते हैं, नहीं तो कौन भी सफलता नहीं पाने वाले हैं। और जो इंसान सभी चीज़ों की व्यवस्था है तभी वो खुश रहता है, और जो जब दुख की घड़ी आ जाती है उसी समय में भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, तभी वो इंसान सफलता पा सकते हैं। और आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने जाट समाज को मान मर्यादा नहीं दिया तो आने वाले समय में आप लोगों का बहुत दुरुपयोग होने वाला है, क्योंकि जाट समाज एक ऐसी हिम्मत वाले, हम भी एक जाट समाज से हैं, हम हमेशा कड़वे से कड़वे, देश के अच्छे के लिए कड़वे से कड़वे बात बोलते हैं, क्योंकि जाट समाज एक ऐसी है धरती को भी चीर करके चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी सर्दी हो, रात और दिन मेहनत खेत के अंदर करते हैं और देश दुनिया विदेशों के अंदर खाने पीने के लिए सभी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, और देश को भी खाना खाने के लिए सभी अनाज साग सब्जी फ्रूट सभी पैदा करते हैं,
और विदेशों के अंदर भी भेजते हैं। यदि किसान लोग सभी चीज़ों को उत्पादन करना बंद कर दिया तो अभी तो ये गेहूँ का भाव राजस्थान के अंदर 22-23 रुपए है और चेन्नई के अंदर अंजाज से बोल रहा हूँ 30-35 रुपए किलो हो सकता है गेहूँ का भाव। यदि आप लोगों ने ऐसी बड़ी गलती की तो गेहूँ का भाव 50-60 रुपए हो सकता है और चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको कार्य करने के लिए और आपकी फैमिली चलाने में बहुत बहुत दुख हो सकता है। क्योंकि जो इंसान संस्कार के अंदर जिएगा उस लोगों को कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये लोग लाइफ स्टाइल के अंदर चलते हैं उस लोगों को बहुत दुख होने वाला है जल्दी ही। आपको ये चेतावनी देने के लिए ही भगवान महावीर स्वामी का आज जन्मदिन है। हम आज मेरे को बहुत समय मिला है, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, इसलिए मेरे को आज आधे घंटे का वीडियो बनाने का मौका मिला है। कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और आप लोगों को एक और बात बोलता हूँ, जाट समाज खेतों के अंदर भी हरियाली करते हैं और देश के बॉर्डर पर भी सीने के अंदर गोली रख करके भी देश की सेवा करता है। खेत के अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन करता है देश के लिए, विदेशों के लिए, विदेशों के लिए भी करते हैं। और हम एक ऐसा दौलत कमा सकते हैं, बट हम मान मर्यादा को ही साथ में जीने की सोच रखते हैं। पैसा हम लोगों को लालच नहीं है, क्योंकि हम एक राम, हनुमान, विष्णु, महादेव, हर हर महादेव के हम भगत हैं, इसलिए हम लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान का एक आशीर्वाद मिला है, इसलिए धन दौलत के ऊपर हम विश्वास कम करते हैं और संस्कार, मान मर्यादा, इज्जत और शांति के ऊपर हम ज़्यादा भरोसे करते हैं। जो इंसान ने मान मर्यादा इज्जत दौलत के ऊपर भरोसा कर लिया तो उस लोगों को संस्कार उसके पास में टिकने वाला नहीं है और उस घर से लक्ष्मी भी चले जाएगी। क्योंकि जहाँ पर मान मर्यादा इज्जत संस्कार रहता है वहीं लक्ष्मी रुकती है, घर के अंदर रहती हैं। और जब तक संस्कार नहीं रहेगा वहाँ पर लक्ष्मी आने वाली नहीं है। सबसे पहले परिवार के अंदर मान मर्यादा इज्जत और संस्कार बहुत जरूरी है। हमेशा अच्छी सोच रखनी सीखिए, बुरी सोच को चार कदम दूर रखिए। और जैन भाइयों और बहनों को एक चेतावनी और देना चाहता हूँ, जब भी मैं एक जैन समाज से नहीं हूँ, मैं एक जाट समाज से हूँ, मैं जोधपुर के एक निवासी हूँ, मैं छोटी जिंदगी से ही मेरे जैन समाज भाइयों और बहनों के साथ में हूँ और मेरे परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार बहुत बड़ा है और मैंने जैन भाइयों के साथ में ही जीता हूँ, रहता हूँ। मान मर्यादा इज्जत से मेरे को बहुत इज्जत देते हैं और मेरा विरोध एक भी आसक्त करने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। जो आगे पीछे करते हैं उसके जाने दो, हम विरोध करने वाले नहीं हैं। जब समय आएगा उसको भी उसकी औकात में हम वापस जवाब देने वाले हैं, उसके परिवार ही उसका जवाब देने वाला है। मेरे को उस लोगों को जवाब देने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान का समय बदलता है और हम हमेशा अच्छी सोच, इज्जत, मान मर्यादा के अंदर रहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और हम सभी धर्मों का पालन करता हूँ और आचार्य श्री महासमण
आचार्य श्री महाप्रभु जी के साथ में भी हम करीबन एक महीने तक रहे थे और बड़े साधु के साथ में आचार विचार रहन सहन देखते हैं तो इंसान की मेमोरी भी अच्छी होती है और अच्छे से अच्छे वो बात सीख लेते हैं और वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में सफल रहते हैं। और आपको ये एक बात बोलना चाहता हूँ जैन भाइयों को, कृपया करके चाहे तेरापंथी हो, चाहे मंदिर माँ की हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे कौन सा भी साधु हो, मौन मर्यादा अपने अपने घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार बनाए रखें, तभी आप लोगों का घर चलने वाला है। यदि आप मौन मर्यादा इज्जत को नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आपका परिवार बहुत दूरा बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल भारत की नहीं है, ये लाइफ स्टाइल विदेश की है। विदेश वाले इधर अभी छोड़ते जा रहे हैं और आपको लूटते जा रहे हैं। कृपया करके छोटी छोटी दुकानों का सभी आइटम खरीदें और उसका भी घर परिवार को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपका स्वार्थ के साथ में ज़िंदगी जिएंगे तो छोटी छोटी दुकानदार कैसे जिएंगे, उसका भी थोड़ा 5 मिनट तक सोचिए और समझिए और इस बात का ग्रहण कीजिए। और आप आज तक चाहे कितना भी दौलत धन दौलत कमाए हैं, अच्छी बात है, अभी पैसा कमाना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए आप लोगों को एक अच्छी सोच बदलने के लिए बोलना चाहता हूँ। जब आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी शादी करते हैं 10-11 आइटम ही सभी मिला के रखें, 50-60-70 आइटम रखते हैं, उस आइटम को बंद कीजिए, क्योंकि ये सोच आप बदल देंगे तो आपका परिवार संस्कार के अंदर हो जाएगा और आप लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। इसका उदाहरण देता हूँ, जब जाट समाज किसान लोग रात और दिन भर काम करते हैं, एक एक चीज पैदा करने के लिए 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, रात और दिन भर वो मेहनत करते हैं, और आप शादी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए 50-60 लाख का खाना बना लेते हैं, उसमें से 20% खाना यूज होता है और 80% खाना वेस्ट होता है। इसलिए आप सभी ऐसा कार्य करेंगे तो आपके परिवार के आप खिलाफ हैं, आपके परिवार के आप बहुत बहुत दुरुपयोग करते हैं। आपको जो अच्छी बात चीज पसंद है वो बनाइए, क्योंकि जितना आप खाना 10-11 आइटम बनाएंगे, जो भी आपके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी शादी के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं और पेट भर के खाना खा कर के जाने वाले हैं और आपको उसकी सच्ची भावना से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि यदि आपने 60-70 आइटम बना लिया है तो खाना तो आप बना लेंगे 60-70, बट एक भी वो खाना खाने वाला नहीं है, उसका एक ही ये मन बहुत लालची होता है और इंसान को एक ही पैदा होगा, ये खा लूँ, ऐसे कर करके वो ऐसे फिरने में ही उसका पेट भर जाएगा और वो उसके बाद में घूम फिर करके उसका चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहेगी, जब उसके घर पर वापस पहुंचेगा उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, आज उधर गया शादी, वो एक ऐसे हरामी ने शादी ऐसा किया है, 70-80 आइटम तो बना लिया है और खाने के लिए
एक भी आइटम अच्छे नहीं, इसलिए मैंने तो कुछ भी खाया भी नहीं। अभी चाय बनाना है, बिस्किट खाना है, रोटी खाना, खाना वापस बनाना। तो खाना खाने के लिए आपके शादी में आया, आपके शादी में खाना नहीं खाया, वापस उसके घर पे रात में जा कर के खाना बनाएगा खाएगा, तो कितना दुरुपयोग ये बात है। इसलिए आपने यदि 10-11 आइटम बनाएंगे वो व्यक्ति पेट भर कर के खाना खाएगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब इंसान ने 70-80 आइटम बना लिया वो आने वाले व्यक्ति खाना नहीं खाएंगे। आपने तो एक खाना का प्लेट का भाव 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये भी आजकल लेते हैं, ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो खाना भी इतना 70-80 आइटम रेडी हो जाते हैं और वो खाना 20-25% 30% खाना इंसान आकर के खाते हैं और बाकी का 70-75% खाना पूरे कचरे के डब्बे में जाता है। तब आप थोड़ा 5 मिनट बैठकर सोचिए, इतना पैसा आप खर्च करके पैसे को कमाने में आपकी ज़िंदगी बिताते हैं और खाने के अंदर आप किसान लोगों की हाई लेते हैं। वही पैसा यदि आपके पास में इतना पैसा है तो चाहे कौन सा भी धर्म का इंसान हो, उस लोगों को बोलना हूँ 10-11 आइटम बनाइए अच्छी तरह से और सभी को खिलाइए और बाकी के पैसों का साधारण खाना बनाइए, अनादानम रखिए और सभी समाज को इकट्ठा करके खाना खिलाइए। चाहे 2 आइटम बनाइए, 4 आइटम बनाइए, 5 आइटम, जो आपकी ताकत के अनुसार, आपके हिम्मत के अनुसार, तो आपके शादी भी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में आपके लड़का या लड़की उसके नाम से सबको खाना खिलाएंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा और गरीब इंसान लोगों का पेट भी भर जाएगा और पैसा भी आपका वापस खर्च हो जाएगा। तभी आप लोगों की ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। यदि आपने ये 80-90 आइटम बनाएंगे और आप दिखावटीपन के लिए, आप बड़े ऐसी दिखने के लिए पैसे को तो दुरुपयोग कर लेंगे और गरीब का पेट तो खाली रहेगा, गरीब इंसान तो रात और सुबह में भूखा सोने वाला है और आपके पैसा बिल्कुल कचरे के अंदर जाने वाले हैं। सोचिए समझिए क्यों, क्योंकि हम हमेशा कड़वे से कड़वे प्रवचन देते हैं, अच्छी से अच्छी सोच रखते हैं और पैसों के ऊपर हम कभी भी लालच नहीं रखते हैं। हम हमेशा इंसान से इंसान को प्रेम, अच्छी सोच देते हैं, क्योंकि इंसान का, यदि आप लोगों ने एक इंसान का भला करेंगे तो आपका भला करने के लिए 100-100 आदमी मिलने वाले हैं। यदि